गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंग्लिश विद सी। आई मस्ट से यू आर एंजॉइंग वॉचिंग सब्सक्राइबिंग माई वीडियोज एंड चैनल एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद अनदर टॉपिक। इन लास्ट वीडियोज आई हैव कवर्ड टेंसेस। Today we are going to start voices. That is also very important topic of English grammar. So without wasting any time, let's get started. Voice. अब mostly confusion रहती है कि voice होता क्या है। So voice is the form of verb that shows its relation with the subject. Voice एक form of verb है जो subject के साथ इसका relation दिखाती है। ठीक है, तो अब इसमें वर्ब कौन सी है? अ ट्रांजिटिव वर्ब। स्पेशली इतना ध्यान रखना, ट्रांजिटिव वर्ब हैज टू वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव। वॉइस होता क्या है? वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज इट्स रिलेशन विद सब्जेक्ट, वो उसको कहते हैं हम वॉइस। और कम्युनिकेशन में स्पेशली हम वॉइस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। समटाइम क्या होता है कि सब्जेक्ट को हम एक्टिव नहीं दिखाते, इम्पोर्टेंस काम को दी जाती है। तो वो इम्पोर्टेंस शो करने के लिए हमें जहां पे वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर ऑफ द एक्शन, टू शो दैट इम्पोर्टेंस वी नीड वॉइसेस। मोस्टली इन रिटन राइटिंग वर्क और इन कम्युनिकेशन वी यूज वॉइसेस। वॉइसेस कितने टाइप के होते हैं? टू काइंड, एक्टिव एंड पैसिव। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव फॉर्म होती किसकी है, कौन सी वर्ब की होती है? ट्रांजिटिव वर्ब। अब ट्रांजिटिव वर्ब्स होती क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब्स आर द वर्ब्स दैट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। जो इसको जिसको एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है इसको कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल आई एम ईटिंग, बट अब दूसरा पूछेगा क्या खा रहे हो, क्या मतलब एक क्वेश्चन अराइज होगा ना, जहां पे क्वेश्चन बनता है व्हाट का हमें आंसर मिलता है, तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको बोलू आई एम ईटिंग आइसक्रीम, तो ये अब हो गई ना कंप्लीट सेंस कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, राइट। सो ट्रांजिटिव वर्ब की जो होती है वो एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म होते हैं। व्हाट इज एक्टिव वॉइस? When the verb shows that the subject does something, means subject is the doer of the action. जब subject काम करता है, subject is the doer of the action, वो क्या होता है? It is said to be active voice. For example, Ashwani eats an apple. Here subject क्या है? Ashwani. Object क्या है? Apple. Eats क्या है? वर्ब। कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब। एंड क्या है? आर्टिकल। ठीक है, तो पूरा हमें पता चल गया। अब इसमें मेन इम्फेसिस किस पे हो रहा है? अश्विनी पे, कि वो एप्पल खा रहा है। सो अश्विनी इज द डूअर ऑफ द एक्शन, सो दिस सेंटेंस इज टू बी सेड इन एक्टिव वॉइस। अब पैसिव क्या होता है? इट शोज दैट समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट एंड द इम्फेसिस इज ऑन द ऑब्जेक्ट और वर्ब डन। इसका मतलब क्या है कि समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट और उसमें इंपॉर्टेंस किसको दी जा रही है, या तो वर्ब को या ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल इज ईटन बाय अश्विनी। अब यहां पे क्या है? अब ऑब्जेक्ट हो गया ना यहाँ एप्पल। अब इम्फेसिस क्या है, इस किस पे हो रहा है? एप्पल। क्या काम हो रहा है खाने का? क्या खाने का? एप्पल। और कौन कर रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? अश्विनी के द्वारा। सो जहां पे अब एक्टिव में मतलब क्या होता है, हम एक्टिव, तो सब्जेक्ट जब जहां जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है वो एक्टिव, और जहां सब्जेक्ट इज नॉट एक्टिव तो क्या हुआ? पैसिव वॉइस, राइट। सो कुछ पॉइंट्स हैं दो जो हमें याद रखने हैं। टोटल टेंसेस कितने हैं? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था 12। तो उसमें से हम जो चेंज करते हैं एक्टिव से जो पैसिव में चेंज होते हैं वो सिर्फ 8 के ही होते हैं। 8 टेंसेस ही हम चेंज कर पाते हैं। उसमें जो है फ्यूचर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस,
फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इनमें चेंज नहीं होता, दे रिमेन सेम। तो वॉइस हमने सिर्फ एट करने हैं, एट टेंसेस के वॉइस करने हैं। और अनदर पॉइंट जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है दैट वॉइस चेंजेस अकर ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब, ओनली इन ट्रांजिटिव वर्ब, आई एम नॉट सेइंग इन ट्रांजिटिव ओनली, जो वॉइस चेंज होता है वो कहाँ होता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स में होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, जिनको एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल आई गो टू मार्केट, अब गो है ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये नहीं आते, वही आते हैं एग्जाम में जिनके एक्टिव से जो पैसिव में चेंज हो जाते हैं, राइट। इतना समझ आ गया, फिर से बता देती हूँ, वॉइस होती है, वॉइस होते क्या है, वर्ब होती है जो डिनोट करता है इसका रिलेशन विद ऑब्जेक्ट। टू काइंड होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव वेयर सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और पैसिव क्या होता है जिसमें एक्शन और वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट, ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सब्जेक्ट, राइट। उसमें ऑब्जेक्ट और वर्क को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स में चेंज होते हैं एक्टिव से पैसिव में, और जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, सॉरी, तो इनमें कोई चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे मेन बात आती है रूल्स क्या है, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको ध्यान रखने हैं, बहुत इजी वे में करते हैं। सबसे पहले तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, हमें चेंज करना है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। सबसे पहले जब वॉइस आता है, हमें एक सेंटेंस लेना है, अश्विनी ईट्स एन एप्पल फॉर एग्जाम्पल, तो पॉइंट वाइज हमने टर्म वाइज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो एप्पल को हमने क्या बना दिया यहाँ, ऑब्जेक्ट, और जो अश्विनी को है, एप्पल को हमने बना दिया सब्जेक्ट, और अश्विनी को बना दिया हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट बाय, हमेशा वी ऑलवेज यूज बाय व्हाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो ये रूल्स हमने फॉलो करने हैं। व्हाट वाज द फर्स्ट रूल, सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। नेक्स्ट बाय इज यूज्ड, ठीक है, बाय यूज करते हैं, और सम टाइम बाय अंडरस्टूड होता है, सेंस से हम लगा लेते हैं, बाय मोस्टली यूज होता है, बट इन फ्यू सेंटेंसेस बाय इज अंडरस्टूड इन पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इन पैसिव वॉइस वी यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, दिस इज अ पॉइंट टू रिमेंबर दैट वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं हमें हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करनी है। दैट्स राइट, इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो आई सजेस्ट यू टू रिवाइज फॉर्म ऑफ वर्ब सो दैट यू डू नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव वर्ब्स। नेक्स्ट यूज ऑफ इज एम आर, वाज वर, हैज एम, हैड बीन, विल बी, शैल बी, ये मैं आपको आगे करवाऊंगी जब टेंस में, अकॉर्डिंग टू टेंस में चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शी इज एन एप्पल, तो यहाँ पे क्या लग गया, इज और थर्ड फॉर्म यूज हो गई ईटन, और बाय यूज हो गया, ये सेकेंड रूल है, ये हमारा फर्स्ट रूल था, ठीक है। दिस इज द सेकेंड रूल, दिस इज द थर्ड रूल, एंड दिस इज द फोर्थ रूल। अब इज लग गया ना वहां पे प्रेजेंट टेंस में, वो आपको टेंस वाइज में सभी करवाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट चेंज ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं, क्या होते हैं प्रोनाउंस, बताओ बताओ। यस, द वर्ड्स दैट आर यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन, फॉर एग्जांपल गीता गोज टू मार्केट, गीता इज वेरी इंटेलिजेंट, गीता प्लेस, तो गीता गीता का यूज नहीं करेंगे ना, उसकी जगह हम हर का यूज कर लेंगे, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हर आया, हर क्या हुआ, प्रोनाउन। तो उनमें जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो कुछ प्रोनाउंस में चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ही चेंजेस इनटू हिम, आई चेंजेस इनटू मी, शी हर,
us, they, them, you और it, no change. You का you रहेगा, it का it रहेगा. कब 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 यू अप्लाई करनी है हमें ये रूल्स बताओ, कब अप्लाई करनी है? यस, व्हाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव. सो दीज रूल्स नीड टू बी फॉलोड. ओके, चलो अभी बताओ मुझे, फ्यू एग्जांपल्स आर हियर, देयरफॉर यू लुक एट हियर. द काउ इज फेड बाय तुषार. सो whether it is active or passive. Yes, by का use हुआ, is का use हुआ, third form use हुई. तो यहीं से हमें पता चल गया this is a passive voice. Next, we went to the beach. अब इसमें ना तो is amar है, ना mausver है, ना has है, ना by है, ना third form the verb है. Here तो second form हुआ. तो ये क्या हुआ? Right, active voice. The question was solved. अब देखो, question was solved. अब इसमें तो by नहीं है. अब आप कहोगे तो active voice में होगा. मैंने पहले ही बता दिया कि by कई जगह understood होता है. तो यहाँ भी ये understood है, but was है. Third form of verb है, जहाँ पे usually क्या आता है, is, am, are, was, were, इनके साथ कभी भी third form नहीं आती tenses में. आपने देखा होगा continuous में ing लगता है was, were, is, am, are के साथ. तो कभी भी इज एम आर वॉज वर नॉर्मल टेंसेस में हम थर्ड फॉर्म यूज नहीं करते. पर वो एक सबसे बड़ी रिकॉग्निशन ही यही है, जहां वॉज वर के साथ आगे थर्ड फॉर्म यूज की गई है, इट मींस दैट सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस. इतना ध्यान रखना, ठीक है. नेक्स्ट इज द फायरमैन रिस्क हिज लाइफ. अब यहाँ पे ना बाय है, ना वॉज वर है, ना हैज हैव है, विल शैल बी नहीं है, थर्ड फॉर्म भी नहीं है. तो ये क्या हुआ? ये हो गया एक्टिव वॉइस में, ये क्या था? पैसिव वॉइस में. और ये भी एक्टिव में था और ये भी पैसिव में था. आगे समझ सबको? राइट. तो अभी हम फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट, बाय का यूज, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज, व्हाइल चेंजिंग एक्टिव इनटू पैसिव, यूज ऑफ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, बीन, will be, shall be according to the tense, or change of pronouns, he, him, he, him, I, me, we, us, she, her, they, them, you and it, no change. ये पांच रूल जो है आपने बहुत अच्छे से समझ लेने हैं. बताओगे मुझे? Yes, subject, object, object, subject, third form of verb, by, change of pronouns, चेंज ऑफ टेंस, जिसमें हम इज, एम, आर एड ऑन होते हैं. वैसे टेंस नहीं चेंज होता, सेंस नहीं चेंज होती, बट क्वेश्चन मार्क जो सेंटेंस है क्वेश्चन मार्क ही रहेगा. अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, बट हम एड ऑन कर देते हैं उसमें अकॉर्डिंग टू द टेंस. इतना समझ आ गया? ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. हम सबसे पहले करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम करते हैं. Okay, so present indefinite tense. सबसे पहले तो ये बताओ कि present indefinite tense में हम use क्या करते थे? बताया था ना मैंने previous video में? Yes, हम use करते हैं as or yes according to singular or plural. For example, she completes, she completes her work daily. वो अपना काम daily complete करती है. She completes her work daily. ये normal structure है present tense का. Okay, जब हम इसको ये passive में change करेंगे, अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्लीट ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है. दिस इज ट्रांजिटिव, क्योंकि कंप्लीट क्या
क्या कंप्लीट करती है, क्वेश्चन बन रहा है ना, तो इसलिए इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये ट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका श्योरली हम चेंज कर सकते हैं पैसिव वर्ब पर। चेंज कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल शी कंप्लीट्स हर वर्क डेली, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, ये सब्जेक्ट ये, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, क्या आ जाएगा हर वर्क। अब हमें क्या लगाना था, मैंने क्या बोला था बाय, चलो यहाँ बाय लगा देते हैं। थर्ड फॉर्म लगानी थी, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या आती है, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, ठीक है। हाउ वर्क कंप्लीटेड बाय, अब हम प्रेजेंट है, जहां पे एस और एस आता है ना वहां हम इज एम का यूज करते हैं, ठीक है। जहां प्रेजेंट टेंस है, चाहे नहीं भी आएगा, यहां दे कंप्लीट होता तो उसी अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। यहां हमें जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ इज एम का यूज करेंगे, राइट। हर वर्क इज कंप्लीटेड बाय, अब देखो शी है सब्जेक्ट है, शी को किसमें चेंज करना है ना, देखो हर, शी को किसमें चेंज करना है, हर वर्क इज कंप्लीटेड बाय हर, ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां नेम आ जाता, गीता कंप्लीट्स हर वर्क डेली, सो हर वर्क इज कंप्लीटेड बाय गीता, यहां क्या आ जाता गीता डेली, डेली को हमने लास्ट में रखा है, हर वर्क इज कंप्लीटेड बाय गीता डेली, बस ये चेंज हो गया। सिंपल सा रूल है, हमने सारे रूल्स अप्लाई कर दिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बना दिया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बाय का यूज कर दिया, थर्ड फॉर्म यूज कर दिया, यूज कर दिया। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है, वी यूज इज एम आर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, द गार्डनर, गार्डनर वॉटर्स द प्लांट्स, गार्डनर वॉटर्स द प्लांट्स, पौधों को पानी देता है, ठीक है। अब अगर हम इसको चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो द प्लांट्स, अब यहां प्लूरल है, प्लूरल के साथ इज एम आर में हम क्या यूज करते हैं आर, द प्लांट्स आर वॉटर्ड, अब वॉटर्स तो थर्ड फॉर्म में, वॉटर्ड बाय गार्डनर, गार्डनर, ठीक है। इसमें काम किसके द्वारा हो रहा है, यहां क्या ज्यादा इंपॉर्टेंस है, प्लांट्स को जो पानी दिया जा रहा है उस वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ये क्या था एक्टिव में और ये था पैसिव में, ठीक है। तो आज आप इसकी इतनी प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करो, रूल्स देखो, और नेक्स्ट जो टेंसेस हैं वी विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग ग्रामर, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।